हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अनिता आज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते एकदम मस्त और भले चंगे होंगे। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ आंचल के लिए शॉपिंग करने। आंचल, इनका कॉलेज खुल रहा है तो ये जाएंगी बाहर पढ़ाई करने, तो इनके लिए शॉपिंग करना है। अभी तो दिवाली की शॉपिंग बहुत सारा हो गया था, लेकिन अब इनके लिए करना है। और ये उस दिन मैंने दिवाली में ड्रेस जो डाला था यही बाहर पड़ा था, यही डाल के जा रही हूँ मैं। उजाला, थोड़ा घर में झाड़ू मार देना, ठीक है। अच्छा चलो यार, दरवाज़ा खोलो। अनुज मस्ती मत करना। हाँ अनुज, अभी क्या सामान चाहिए, क्या लेना क्या है तुमको? अरे तब भी कुछ तो बोलो, सामान मीन्स क्या चाहिए बोलो। ठीक है, तो पैसा वेस्ट नहीं करते, चिप्स खरीदने का है बिना परमिशन के। चिप्स, इतना सारा चीज बना है फिर भी चिप्स चाहिए। हाँ चल ठीक है, मस्ती मत करना, लेके घर पे आ जाना सीधा। तो गाइज, हमारे यहाँ तीन मार्केट है और तीनों लगभग सेम डिस्टेंस में है। अभी चलना कहाँ है अभी डिसाइड ही नहीं हुआ। चल कहाँ चलना यार, स्टेशन जाओ ले लो यहाँ पे। हाँ बाय। हमें रोड दिख रहा है, यहाँ से हमें पकड़ना है रिक्शा। अगर कभी रिक्शा नहीं मिला तो भाई बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि हमें उल्टा दिशा में पीछे से जाना पड़ेगा पैदल। रिक्शा बोल बोल, पूछ पूछ पूछ। स्टेशन मिल गया, चलो भैया। अच्छा हुआ मेरे रिक्शा मिल गया, बस 5 मिनट लगेगा, लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। इधर इतना ट्रैफिक जाम है ना, तो ये रिक्शे वाले भैया उल्टा दिशा से ले रहे हैं अभी। अच्छा किए, नहीं तो उधर बहुत जाम लगा है। पहुंच गए हम भांडुप स्टेशन। आप देख सकते हो कपड़े की दुकान, इतनी बड़ी बड़ी इतनी सारी दुकान है ना, क्या बताएं। हम लोग मार्केट में ही उतर गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करके जा रहे हैं घर पे पैदल ही, क्योंकि रिक्शा मिलना मुश्किल है। ए भाई, पहुँच गए हैं हम लोग घर पे। उजाला खड़ी हैं दरवाजे पे और ये अकेली थी, फिर भी अच्छे से सजा उजा दी है घर पे। ए देखिए, भाई दूज का भी अच्छे से रंगोली निकाली है। ये भाई दूज का है और एक लड़का एक लड़की भी बनाई है, मस्त भाई और बहन बहुत बड़े हैं। तो फिर यहाँ अंदर जाके, थकान तो बहुत लग गई थी, बस पहुँच गई हूँ कैसे भी घर पे। अब आराम करूँगी कुछ देर, इसके बाद देखती हूँ क्या बनाना। देखिए जैसे कपड़े आए सब लोग जुट गए हैं देखने। अच्छा दिखता है, पूरा खोल के दिखो, क्योंकि ये सब मैं नॉर्मल पहन सकती हूँ, छुट्टी पे कहीं जाना घूमना टहलना होता। तो ये सब आंचल पसंद की है, आंचल के लिए ही है, मेरा एक भी नहीं है इसमें। तो ये जो था अच्छा अच्छा कुर्ती था, बहुत मतलब पसंद ही नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें, लेकिन ऐसे 5-6 कुर्ती ये लोग पसंद की थी, जो कि अच्छा है मतलब रेगुलर पहनने के लिए इन लोग को कॉलेज में। ये सब कुर्ती 400 रुपये में मुझे मिला है, अच्छा ही था 400 रुपये में देखा जाए तो। और बड़े शोरूम से नहीं लिया था हमने, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही महंगा देता। ये भी बहुत बढ़िया लग रहा था इसका कलर, और ये जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा और निकलेगा नहीं ऐसा है इसमें। तो कई हो गया, 7-8 कुर्ती ऐसे ही हम लोगों ने ले लिया है नॉर्मल पहनने के लिए। और फैंसी तो अभी बाकी है इनका, देखती हूँ कभी जाना होता है शॉपिंग पे तो। बस ये और ये सेट था इस पर लेगी भी दिया हुआ था सेट का, ये अच्छा लग रहा था कलर। ये भी कितना 650 में दिया था, अच्छा ही था।
तो मैं बोली ले लो, इधर उधर पहनने का मन करेगा तो, क्योंकि वहाँ पे मिलता है वो भी, लेकिन यहाँ से जो शॉपिंग हो जाएगी अच्छा है। और थोड़ा बहुत तो हो गया, अभी थोड़ा बहुत बाकी है, देखती हूँ। और इनके लिए तो लगे आते टी शर्ट देखी, मैं इनके लिए ले ली थी, ज़्यादा तो खास नहीं है फिर भी है। और एक लेगी क्या इसको बोलते हैं यार, प्लाजो। और ये तो ड्रेस लाई हूँ तो बोल रही हैं मम्मी मुझे नहीं पसंद है, आप ले लो, क्योंकि बहुत तो ज़्यादा ये है, हम लोग ऐसा पहनते नहीं हैं। चलो मैं ही ले लेती हूँ, इन लोग का जब कपड़ा आता तो कासेट मेरा बन ही जाता है। तो ये मैं रख ले रही हूँ, इन लोग को पसंद ही नहीं आ रहा है तो क्या करें, हम ही ले लेते हैं। ऐसा हो गया इतना सारा शॉपिंग। इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को दुगाए, कुछ खाना तो ऐसा बना नहीं आज। यहाँ पे कर ली हूँ देवी माई का पूजा, शाम को शाम तो हो ही गया था, बस चली गई थी लाइट के पास। सबका लाइट जल रहा था, मेरा ही बंद था, तो मैं भी अपना चालू कर देती हूँ लाइट। अभी तो एकादशी तक लाइट चालू करना है। और बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, सब बिल्डिंग जगमगा रहा है जैसे आज भी दिवाली हो ऐसा ही पूरा अभी भी लाइटिंग वैसे ही है। और ये भी देखिए हम लोगों ने भी अपनी खिड़की में लगाया हुआ है मस्त लाइटिंग। तो कपड़े सारे हो गए डन, सारा मैंने रख दिया। और इन लोग को देखो सबके मजे चल रहे हैं, सब लोग इधर देखो सब बिजी हैं सब। अभी चल रही हूँ किचन में, किचन का हालत ऐसा है क्या करूँ, हाँ सब थक के आई हूँ मैं, मुझे ही करना पड़ेगा, कोई करने वाला नहीं है, सब मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे आज बाहर से नॉनवेज ला रहे हैं वो खाएंगे, और हम लोगों का तो सुबह का सब्जी, दो किस्म का सब्जी बनाई थी तो बचा है, देख तो भुजिया बनाई थी ये भी कोई नहीं खाया है, ये भी बचा हुआ है इतना। बनाए समझ में नहीं आ रहा यार, सबसे बड़ी समस्या तो यही रहती है हमारे घर में कि क्या बनाए। यहाँ पर रात में हम लोग फिर वही जो था थोड़ा बहुत नॉनवेज वगैरह लाए थे अपना खाए, और हम लोग जो घर पे तो भाजी था थोड़ा सा, दाल चावल और रोटी बना ली थी, तो वही सब हम लोग बैठ के खा लिए थे। और हमारे घर में आज भी शोले बहुत पसंद करते हैं सब लोग, पिक्चर वही शोले लगा हुआ है, इनका फेवरेट है, जब भी मन करता कभी कभी शोले लगवाते हैं, और वही चल रहा है हमारी टीवी में। यहाँ पर हो गया खाना पीना, लग रहा है बिस्तर, और ये जिद करके बैठे हैं वहाँ से, इनको जलाना है पटाखे, इनका बचा हुआ पटाखा है। अनुज कितना बचा यार अभी तक, बहुत है, नहीं चलना है। यहाँ बज गए हैं 11:30, लेकिन इनको अभी पटाखे फोड़ने जाना है। चलो इनका पड़ाका जलवा दूं, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक ये लड़का इसी जिद करेगा। थोड़ा सा कर देंगे जला, फिर एकादशी को दूंगी। एकादशी तक बचेगा तेरा? हाँ, तब तक तो पूरा जला दोगी? नहीं, मैं बहुत कुछ डीलिंग कर लूंगा उससे पहले। है अभी इतने सारे लोग जला रहे हैं यहाँ पे, आज तो थोड़ा सुनसान लग रहा है ना, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर हरदम रहते हैं, शाम को भाभी लोग आती हैं खाना वाना खा के टहलती हैं, तो आज तो नहीं दिख रही हैं, बट ये बच्चे हैं अभी भी शैतानी बच्चे सारे, इतने सारे अभी जला रहे हैं। और अनुज भी आ गया है इसी में जलाने, जिसके पापा तो लेके आए ना, बाकी बच्चों के तो पेरेंट्स कोई दिख नहीं रहे हैं, ये लोग खुद ही जला रहे हैं और काफ़ी इंजॉय किया। दोस्तों वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पर रोज़ दिवाली है, जब तक एकादशी नहीं होती दिवाली रोज़ मनाते, जितने पटाखे बचे हैं रोज़ मनाते। और यहाँ पर हो गया इन लोग का जला के हो गया, और बाप बेटे दोनों आज पहने हैं एक ही जैसा टी शर्ट, और बस हम लोग रिटर्न आ गए थे घर पे। एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ भाई दूज की ये रंगोली।